हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिंगिंग टेस्ट, और इसे हम हैमर टेस्ट भी बोल देते हैं। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। रिंगिंग टेस्ट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। रिंगिंग टेस्ट को हम स्पेशली कास्टिंग डिफेक्ट चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कास्टिंग में डिफेक्ट होते हैं पोरोसिटी, ब्लो होल्स, पिन होल्स, इन डिफेक्ट को हम चेक करने के लिए रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट यूज़ करते हैं। अभी हम बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसमें डिफरेंट साउंड वेव जनरेट होती हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास होलो शाफ्ट है, एक हमारे पास है सॉलिड शाफ्ट। दोनों के ऊपर हम एक हैमर स्ट्राइक कराएंगे। होलो शाफ्ट में जो साउंड वेव जनरेट होगी वो अलग साउंड वेव जनरेट होगी, यानी कि उसकी पिच अलग होगी। जो साउंड वेव जनरेट होगी सॉलिड शाफ्ट में, उसकी पिच अलग होगी। यानी कि डिफरेंट साउंड वेव जनरेट होगी होलो शाफ्ट में एंड सॉलिड शाफ्ट में। इसी तरह से हमें टू साउंड वेव मिलेंगी, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कौन सी होलो शाफ्ट है, कौन सी है सॉलिड शाफ्ट। इसके लिए हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतनी बात आप समझ सकते हैं कि होलो शाफ्ट में से कौन सा साउंड वेव जनरेट हो रहा है, सॉलिड शाफ्ट से कौन सा साउंड वेव जनरेट हो रहा है। दोनों को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस पता करने के लिए हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट के लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अगर एक्सपीरियंस होगा तभी तो हम टू साउंड वेव के बीच का डिफरेंस पता लगा लेंगे इजीली। उसके बाद देखें, रिंगिंग टेस्ट को हम, जैसे मैंने आपको बता दिया, कास्टिंग डिफेक्ट को चेक करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई डिफेक्ट है किसी कास्टिंग में, कास्टिंग में डिफेक्ट है यानी कि उसमें कुछ मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। अगर मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, उस रीज़न से कुछ अलग साउंड वेव जनरेट होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरा वर्क पीस है, उसमें डिफेक्ट नहीं है, यानी कि उसमें होलो कैविटी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उसमें से अलग साउंड वेव जनरेट होगी। इस तरह से हम पता लगा लेंगे वर्क पीस में डिफेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसका एक स्टेबल प्रोसीजर है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कास्ट, दी कास्टिंग इज सस्पेंडेड इन दी एयर क्लियर फ्रॉम ऑल साइड्स एंड फ्लोर। एक मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे। कास्टिंग एक हमारे पास पार्ट होगा, कास्टेड पार्ट होगा, जिसे हम एयर में लटका देंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टेबल मैकेनिज्म। उसके बाद हम हैमर से उस कास्टिंग पार्ट के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे। जो हमारे पास वर्क पीस है उसके ऊपर हैमर को स्ट्राइक करेंगे तो साउंड वेव जनरेट होगी। उस साउंड वेव को हम सुनेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस टेस्टिंग के लिए पर्सन के पास एक्सपीरियंस, स्किल होनी चाहिए, तभी वो ये टेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। तो वो पर्सन पता लगा लेगा, उन साउंड वेव को डिटेक्ट कर कर पता लगा लेगा कि इस वर्क पीस में डिफेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं। सिंपली वर्क पीस को लटका देंगे, उसके ऊपर हैमर स्ट्राइक करेंगे, साउंड वेव को डिटेक्ट करेंगे और डिफेक्ट के बारे में बता देंगे, डिफेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं। और ये जो साउंड वेव जनरेट होती है, इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इन डिफरेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो वर्कर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज़ कर सकता है टू डिटेक्ट दीज साउंड वेव्स। ओके, क्योंकि साउंड वेव के बीच का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होगा, तो हम उन साउंड वेव को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। रिंगिंग टेस्ट को हम लार्ज कास्टिंग डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई डिफेक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि डिफेक्ट स्मॉल का मतलब है उसमें कैविटी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कैविटी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो साउंड वेव का जो डिफरेंस होगा वो कम हम जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिंगिंग और हैमर टेस्ट को हम लार्ज कास्टिंग डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये था प्रोसीजर ऑफ रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।